गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो स्टूडेंट, आज टॉपिक जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। इसके मैं आपको पार्ट 4 तक करा चुका हूं, आज पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में हमने अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर द्वारा बने प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा था। सभी 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। आज हम कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तल दर्पण सभी दिशाओं में केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, वो भी सीधा और आवासी और वस्तु से छोटा। ध्यान रखना है, सीधा, आवासी, वस्तु से छोटा और दर्पण के दूसरी ओर फोकस और द्रव ध्रुव दोनों के बीच में हमेशा इसी तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अपने डेफिनेशन को। देखो क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखी वस्तु आप कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, का प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से छोटा सीधा। अब सीधा है तो आवासी बनेगा, वो मैंने आपको अवतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनवा रहा था तब आपको हमेशा बताया था कि सीधा हमेशा आवासी और वास्तविक हमेशा उल्टा। ठीक है, सीधा आवासी तथा दर्पण के दूसरी ओर, ये दर्पण है इसकी दूसरी ओर, ठीक है, ध्रुव है फोकस के बीच, ये ध्रुव है, ये फोकस है, प्रतिबिंब यहां बनता है, ध्रुव है फोकस के बीच बनेगा, हमेशा यही प्रतिबिंब बनेगा वस्तु को चाहे कहीं भी। अब ये आपको उत्तल दर्पण दिख रहा होगा, ये तो मैंने लिख दिया है उत्तल दर्पण। आपको कैसे पता ये उत्तल दर्पण है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि कोई दर्पण उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की क्या पहचान है, मैंने पिछले वीडियो में आपको अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। किसी भी दर्पण का उत्तल या अवतल होना ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है, हम किस सिरे पे पॉलिश करते हैं उस पे डिपेंड करता है। और उत्तल या अवतल दर्पण की क्या पहचान है, देखो अवतल दर्पण जो होता है उसमें भी दो पृष्ठ होते हैं, उभरावा एक दबाव। इसी तरह से उत्तल दर्पण होता है उसमें भी दो पृष्ठ होते हैं, एक उभरावा एक दबाव। अब अगर हम उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश कर देते हैं तो दर्पण अवतल हो जाता है, और अगर हम दबे हुए पृष्ठ पे पॉलिश कर देते हैं तो दर्पण उत्तल हो जाता है। मतलब सीधा सीधा साफ साफ ये है कि जो भी दर्पण आपको बनाना है उसका वही सिरा छोड़ देना है, दूसरे पे पॉलिश करनी है। मान लेते हैं उत्तल दर्पण आपको बनाना है, तो उत्तल दर्पण उत्तल पृष्ठ कौन सा होता है, उभरा हुआ होता है, तो उसे छोड़ देंगे आप दबे हुए पे करेंगे, ठीक है, तो वो उत्तल दर्पण आपका बन जाएगा। अगर आपको अवतल दर्पण बनाना है तो आप दबे हुए सिरे को छोड़ दोगे, दबे हुए सिरे को छोड़ के आप उसके उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश कर दोगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण हमने बनाया था, इसके उभरे हुए पृष्ठ को छोड़ के दबे हुए पृष्ठ पे हमने पॉलिश कर दिया, ये आपको उत्तल दर्पण। मुझे लगता है आपकी सबके ये बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने इमेज की तरफ। ठीक है, मान लेते हैं ए भी कोई वस्तु है, ए भी कोई वस्तु है और जो उसका प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश है। मान लेते हैं कोई बिंदु ए से दो किरण जा रही है, एक तो ए एम जा रही है और दूसरी जा रही है ए और एन। जो ए एम है वो दर्पण के उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तित होकर एम आर की ओर चली जाती है, और जो आपकी ए एन है वो परावर्तित होकर वहीं से वापस आ जाती है। अब अगर हम इन किरणों को थोड़ा थोड़ा पीछे हटा के देखें तो हमने देखा जो हमारी किरण एम आर है उसको हमने थोड़ा पीछे डॉट लाइन से बढ़ाया तो वो आपकी फोकस पर जाकर मिल गई। ठीक है, और जैसी हमारी दूसरी किरण थी ए एन को हमने थोड़ा सा पीछे हटाया तो वो आपकी वक्रता केंद्र पर जाकर मिल गई। ठीक है, तो अब ये दो किरणें जो आभासी किरणें हैं, जहां भी इन्होंने एक दूसरे को काटा है, जिस पॉइंट पे काटा है वहां आपका प्रतिबिंब बन जाता है। आप देखेंगे ये देखो ये आभासी किरणें यहाँ आई और ये वाली आभासी किरणें यहाँ गई, तो देखो इस पॉइंट पे काट रही है, जिस पॉइंट पे काट रही है वही आपका प्रतिबिंब होगा, तो ये आपका प्रतिबिंब बन जाता है। और उत्तल दर्पण का केवल एकमात्र प्रतिबिंब यही है। डिनोटेशन में आपको बता चुका हूँ, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये वस्तु है, ये आपका
प्रतिबिंब बन रहा है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब तक तो हमने उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली इमेज के बारे में पढ़ा है, अब हम इनके दोनों के प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं इनके उपयोग के बारे में, किसका उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों की कंपैरिजन लेके मैंने दिखाया है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, वाहन चालक के बगल में पीछे का दृश्य देखने के लिए। वाहन चालक होता है, कोई भी बाइक हो या बस हो, उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग। अब आपको पहले इनके उपयोग पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेना बहुत आवश्यक है आपको। वो छोटी सी बात क्या है कि मेन मोटिव क्या होता है दर्पणों का, कि उत्तल दर्पण क्या करता है और अवतल दर्पण क्या करता है। तो उत्तल दर्पण का काम होता है एक बड़े क्षेत्र को छोटे आकार में दिखा देना, एक बड़े क्षेत्र को छोटे आकार में दिखा देना, और जबकि अवतल दर्पण का क्या काम होता है, एक छोटे आकार को बड़े रूप में दिखा देना। समझ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुने एक बार कि अवतल दर्पण जो है एक छोटे आकार के क्षेत्र को बड़े आकार के क्षेत्र में दिखा सकता है, जबकि उत्तल दर्पण एक बड़े आकार के क्षेत्र को छोटे आकार में दिखा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा वाहन के पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र इस दर्पण में साफ चमक जाता है, तो वही चीज है ये कि वाहन चालक के बगल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सड़क पर जो लैंप लगे हुए होते हैं, वो ऐसे लैंप लगे होते हैं, उनके पीछे परावर्तक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है दर्पणों का, उत्तल दर्पण का। ठीक है, तीसरा है अपसारी के रूप में, अपसारी मतलब फैलाना, किरणों को फैलाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। और जबकि अवतल दर्पण जो है वो आपका अभिसारी के रूप में प्रयोग किया। तो नेक्स्ट आपका है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा कान नाक व गले की जांच करने में, यहाँ बहुत छोटे एरिया होता है आंख नाक कान में, तो मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो एक छोटे एरिया को, छोटे क्षेत्र को बड़ा दिखाने में प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ डॉक्टर जो है आंख नाक कान और गले में इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। तीसरा है परावर्तक के रूप में, परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे परावर्तक के रूप में तो दोनों का ही किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि वो परावर्तक लैंपों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है टेबल लैंप के रूप में, टेबल लैंप के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टेबल लैंप के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके प्रकाश से निकलने वाली किरणें हैं, जब अगर ये दर्पण लगा दिया जाता है तो बहुत सारे प्रकाश को फैलने से, अभिसारी जो है उसको फैलने से, अभिसारी लैंप के रूप में प्रयोग कर रहा है, तो फैलने से इसे रोक लेता है, एकत्रित कर लेता है। अभिसारी का मतलब है प्रकाश एकत्र करना। ठीक है, उसके रूप में। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है जो वाहन होते हैं आपकी, उसकी जो हेडलाइट होती है, या आप सर्च लाइट कह सकते हैं, तो उसमें भी आपका अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपके अवतल दर्पण के प्रयोग हुए। अब आपको हम अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान करना सिखाएंगे। बनाना तो हमने सिखा दिया कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनाते कैसे, किधर पॉलिश करके। अब बनाने के बाद मान लिया हमने बना दिया, पहचान किसी से करवानी है, उसकी पहचान वो कैसे करेगा, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो दर्पणों की पहचान जो है वो दो प्रकार से की जाती है, ये तीनों तरह के दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल। सबसे पहले हम बताएंगे आपको स्पर्श करके, स्पर्श करके कैसे हम दर्पण की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए हमें छड़ लेनी होगी, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पर्श करके केवल छोटी वक्रता दर्जा वाले दर्पणों की पहचान की जा सकती है। अगर वक्रता दर्जा ज्यादा हो तो ये विधि प्रयोग ना हो, प्रतिबिंब देख के उसका पता लगाया जाए। ठीक है, तो हम इसमें एक छड़ लेते हैं। अगर हमारी छड़, हम उस छड़ को दर्पण के ऊपर रखकर देखते हैं, अगर सभी जगह से वो उसे टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो दर्पण आपका समतल होगा। अगर हमारी छड़ दर्पण को उभरे हुए भाग से स्पर्श कर रही है, किनारों पे से स्पर्श नहीं कर रही, तो दर्पण आपका उत्तल दर्पण होगा। अगर हमारी छड़ किनारों पे से स्पर्श कर रही है लेकिन बीच के भाग को स्पर्श नहीं कर रही, तो दर्पण आपका अवतल दर्पण होगा। ये तरीका होगा आपका स्पर्श करके देखने का। दूसरा तरीका आपका प्रतिबिंब देखकर, ये सबसे सॉलिड तरीका है। ठीक है, ये इससे आप कितनी बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का भी प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है। तो तीनों के प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या क्या बन सकता है। समतल दर्पण की अगर बात करें कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने, समतल दर्पण की बात करें, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर और सीधा बने। मैंने आपको बताया था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और वस्तु के हमेशा बराबर बनता है, चाहे आप वस्तु को कहीं भी रखकर देखें, अलग अलग दूरियों पर आप रख के देखेंगे हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर ही बनेगा समतल दर्पण में। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दो तरह का बनता है, बड़ा भी हो जाता है वस्तु से और छोटा भी हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से वास्तविक भी रहता है और आभासी भी रहता है। पांच कंडीशंस में वस्तु उसका प्रतिबिंब जो है अवतल का वो वास्तविक रहता है और एक कंडीशन में आभासी रहता है। तो देखें क्या है कि यदि वस्तु को दर्पण के पास रख रहे हैं, बिल्कुल दर्पण के पास मतलब फोकस और ध्रुव के बीच बिल्कुल पास रख के देख रहे हैं, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है और सीधा बनता है अवतल दर्पण में, क्यों? फोकस और ध्रुव के बीच रखने हैं अभी, ठीक है, वही एक कंडीशन है जिसमें वो बड़ा बनता है, ठीक है। अगर अगर हम वस्तु को थोड़ा दूर रखें, मान से हटा के कहीं भी रखते चले जाएं या दर्पण से ज्यादा दूर रखें, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा वास्तविक, छोटा बनता है वस्तु से और वास्तविक बनता है, और वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, ये ध्यान रखना है। वहां आभासी था तो सीधा बनता था उस कंडीशन में। ये देख सकते हैं कि यदि दूर रखने पर उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बने तो दर्पण अवतल कहलाता है, दूर रखने पर वस्तु से बड़ा बनेगा और अगर उसके पास रखें तो वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहीं भी रखें, प्रतिबिंब आपका हमेशा सीधा आवासी और ध्रुव व फोकस के बीच ही बनेगा। तो ध्यान रहे यदि वस्तु को प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा और ध्रुव उसके बीच बनता है, मतलब तो सीधा है तो आवासी है और वस्तु से छोटा। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको